नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता के तौर पर बर्खास्त कर दिया। उद्धव ठाकरे द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक शिंदे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण ये कार्रवाई की गई है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को संगठन में पार्टी के नेता पद से हटा दिया है। उद्धव ठाकरे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शिंदे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अधिकांश नेताओं ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में आ गई थी और अंततः उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गुरुग्राम पुलिस ने सैकड़ों विदेशी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ितों से जबरन वसूली करने के लिए आरोपी ने संघीय पुलिस अधिकारियों के रूप में पेश किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप भी बरामद किया है। ये छापेमारी पुलिस को DLF फेज 2 की एक इमारत से फर्जी कॉल सेंटर चलाए जाने की सूचना मिलने के बाद हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और DLF फेज 2 पुलिस ने संयुक्त रूप से सहायक पुलिस आयुक्त SP के नेतृत्व में छापेमारी की। पुलिस ने जब छापा मारा तो कॉल सेंटर के कर्मचारी कॉल कर रहे थे। जब पुलिस ने कॉल सेंटर चलाने के लिए दस्तावेज मांगे तो प्रबंधक दूरसंचार विभाग DOT से ग्राहक समझौते और लाइसेंस सहित आवश्यक दस्तावेज पेश करने में विफल रहा। जापान में शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 का तेजी से और विश्वसनीय पता लगाने के लिए एक नई एंटीबॉडी आधारित विधि विकसित की है, जिसमें रक्त के नमूनों की आवश्यकता नहीं होती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि SARS-CoV-2 संक्रमित व्यक्तियों की अप्रभावी पहचान ने COVID-19 महामारी की वैश्विक प्रतिक्रिया को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है और स्पर्शोन्मुख संक्रमणों की उच्च दर 16-38% ने इस स्थिति को बढ़ा दिया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि COVID-19 संक्रमण की पुष्टि के तरीकों में से एक SARS-CoV-2 विशिष्ट एंटीबॉडी का पता लगाना शामिल है। सोने के नैनोकणों पर आधारित परीक्षण स्ट्रिप्स वर्तमान में कई देशों में पॉइंट ऑफ केयर परीक्षण के लिए व्यापक उपयोग में है। ये परीक्षण 10 से 20 मिनट के भीतर संवेदनशील और विश्वसनीय परिणाम देते हैं, लेकिन उन्हें लांसिंग डिवाइस का उपयोग करके उंगली की चुभन के माध्यम से एकत्र किए गए रक्त के नमूनों की आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये दर्दनाक है और संक्रमण या क्रॉस संदूषण के जोखिम को बढ़ाता है और इस्तेमाल किए गए घटक संभावित बायोहाजर्ड जोखिम पेश करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लेली बायो ने कहा, एक न्यूनतम इन्वेसिव डिटेक्शन ऐसे विकसित करने के लिए जो इन कर्मियों से बच सके, हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड ISF के नमूने और परीक्षण के विचार की खोज की, जो मानव त्वचा के एपिडर्मिस और डर्मिस परतों में स्थित है। टीवी कपल माही बीज और जय भानुशाली ने हाल ही में गुरुवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जब उनके अस्थाई रसोइये ने कथित तौर पर उन्हें और उनकी 2 साल की बेटी तारा को जान से मारने की धमकी दी थी। माही ने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल पर अपना अनुभव बताते हुए ट्वीट की एक श्रृंखला साझा की। बाद में अभिनेत्री ने ट्वीट्स को हटा दिया, लेकिन घटना के बारे में बात की। भारतीय टेनिस एस सानिया मिर्जा और उनके क्रोएशियाई साथी मेट पाविक शुक्रवार को विंबलडन 2022 मिश्रित युगल स्पर्धा के दूसरे दौर में पहुंच गए। छठी वरीयता प्राप्त सानिया और पाविक ने जॉर्जिया की नटेला जालामिज्जो और स्पेन के डेविड वेगा हर्नांडेस की गैर वरीय जोड़ी को 1 घंटे 58 मिनट में 6-4, 3-6, 6-10, 6-3 से हराया। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया और पाविक, जो मौजूदा पुरुष युगल विंबलडन चैंपियन है, को अपने विरोधियों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे 8वें गेम में उन्हें तोड़ने में सफल रहे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।